शर्ती ध्यान रखें, जिनको याद शक्ति बढ़ानी है, स्मरण शक्ति बढ़ानी है, अच्छे नंबरों से पास होना है, कुछ उपाय छोटे छोटे ध्यान से सुनो। पढ़ते समय जीभ को ऊपर तालु में लगाकर पढ़ो, जल्दी याद रहेगा, मेरा अनुभव है। डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की है इस पर, इस प्रयोग पर। जीभ ऊपर तालु में लगाने से दायां मस्तक और बायां मस्तक, मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हो उसके लिए तो ये वरदान रूप है, ये प्रयोग एकदम सक्सेस हो जाएगा। और एक लड़की ने किया दिल्ली में, श्वेता उसका नाम, मैथमेटिक्स में 100% 100 में से 100 आए। विदेश में डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जीभ को तालों में लगाए रखना पढ़ते समय, पेपर देते समय। पढ़ते समय कमर सीधी रखकर बैठना। कई लोग घना विद्यार्थी एवं आयो कि पहला सीधा बेसिन वाँचे, वड़ी पाचा वाँचता वाँचता थाके निले पाचा आड़ा पड़ी जाए, वड़ी पाचा पेट ना बड़े सुई जाए, अन बे पग पाछड़ आम हलता होए, राइट लेफ्ट राइट आम पाछड़ हलता होए, अन पाचा आम हाथ में खूणी ना बड़े, तमें समझी गया, आ रीते चोपड़ी लेन वाँचता होए तो एमनी आंखों नी शक्ति नबड़ी पड़े अने याद बराबर रहे नहीं। आ चंचलता छे, याद क्या थी रहे, तो स्थिर रहकर पढ़ना चाहिए, मुंह जूठा रखकर नहीं पढ़ना। रात को मुंह जूठा रखकर मत सोना। सर्दियां चल रही है, दोपहर को भोजन के बाद एक छोटा तिल का लड्डू खूब चबा चबा कर खाएं, एकदम उसका रस हो जाए, इतना चबाएं, याद शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। पढ़ते समय मोबाइल का स्विच बंद करके ही बैठे, नहीं तो पढ़ने बैठे गम मुश्किल से याद रहा और इसने में आया किसी का फोन उठाया, हेलो, तो वो भी हेलो ही हो गया, हेलो वो भी गया। और ये मोबाइल फोन तो है ना, मोबाइल नहीं मुसीबत है। फिल्म वाले भी इतना तो गा लेते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, और पढ़ा लिखा आदमी बचे नहीं मोबाइल से। और मोबाइल सुनो ना, बात करनी हो तो लेफ्ट बाएं कान पे रखो, डाबा कान पर रखो, जमणा कान पर तो फोन कदी राखसो ज नहीं, याद शक्ति ने मारी नाखसो। गमे एटला उपाय करो पण जमणा काने मोबाइल राखो, याद शक्ति ने तमे जाने उसका जाने खून नहीं कर दिया। दाएं कान पे कभी भी मोबाइल मत रखा करो, भूल कर भी, रिसर्च हुई है, बाएं कान पे रखो और दूर रखो थोड़ा, न रखो तो अच्छा है, रखना पड़े जरूरी तो बाएं पर रखो, थोड़ा दूर रख के बात करो। कान में नाखी अंदर आम भराई बात करे तो याद शक्ति ना घना उपाय करो, रोज बादाम खाओ कहीं ना था, याद शक्ति में दम निकली जाए, गमे एटली बादाम खाओ एमने में जाए, इसलिए सावधान। मौन रखना भूल गए, फोन रखना सीख गए। जो ज्यादा बोलता है ना फालतू बातें, उसकी याद शक्ति कमजोर होती है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। दूध में 2-4 बूंदे खटाई की पड़ती है तो दूध फट जाता है। लोहे की चादर पर लोखंड ना पतरा ऊपर एसिड ना टीपा नाखो ना, तेजाब की बूंदे पड़े लोहे के पतरे पर तो उसमें भी खड्डे पड़ जाते हैं और वो भी पतरा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना जरा, दूध में ये खटाई की बूंदे ना पड़े, लोहे की चादर पर तेजाब की बूंदे ना पड़े। हमारे जीवन में भी ये मोबाइल आदि इसकी झंझट न पड़े तो अच्छा है। और देखो, परीक्षा में प्रथम आना चाहता हो विद्यार्थी और वो फिल्म से और मैच से न बचे तो प्रथम कैसे आएगा। चरित्र की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखने की चाह है किसी बहन की, पर चरित्रहीन युवकों से अपने को न बचाए तो वो कैसे चरित्र की पवित्रता को अक्षुण रख पाएगी। डायबिटीज है मरीज को और मिठाई न खाने की बात न माने और मिठाई खाता रहे तो डायबिटीज कैसे मिटेगी। सर्दी है पर आइसक्रीम खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसकी सर्दी कैसे मिटेगी, आप सोचो न। क्लास में बच्चे खूब शोर मचा रहे थे, ओए होए 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 कर रहे थे तो शिक्षक ने कहा कि बच्चों मैं बैठा हूं क्लास में और तुम शोर मचा रहे हो, तुमको पता नहीं एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बनाई थी और मूर्ति के सामने भी चुपचाप बैठता था और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तुम शोर मचा रहे हो। तो बच्चों ने कहा साहब आप भी एकलव्य के गुरु की तरह हो जाओ तो हम चुप हो जाएंगे। वो उसको सुना दिया कि मैंने आप भी मूर्ति बन जाओ। ऐसे बच्चे होते हैं आजकल।
किसी कवि ने ठीक कहा है, पहले के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे लड़के, और आज के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं लड़के। पहले पढ़ते थे लड़के, आजकल पढ़ते हैं लड़के। लड़के नहीं, प्रेम से, लड़ाई करके नहीं, प्रेम से, सौ मनुष्यता से।